बॉलीवुड फिल्म पद्मावत के विरोध को लेकर चर्चा में आई करणी सेना की कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 2006 में कुछ बेरोजगार राजपूत युवकों ने करणी सेना का गठन किया, जो आज राजस्थान के इस समुदाय का चेहरा बन गया है। हालांकि इस संगठन में सबसे मजबूत धड़ा लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ है। इन संगठनों ने शुरू से राजपूतों से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में ये संगठन फिल्म पद्मावती के विरोध में सबसे ज्यादा मुखर हो गया। लोकेंद्र सिंह कलवी वर्ष 2008 में कांग्रेस के साथ जुड़े थे। संगठन के 2,00,000 सदस्य हैं। जनवरी 2017 में जब श्री राजपूत करणी सेना के कुछ सदस्यों ने पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की, तो करणी सेना के सभी गुटों में अचानक आम सहमति बन गई। करणी सेना पहली बार साल 2006 में चर्चा में आई थी। इस दौरान कालवी ने फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। बाद में ये फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं हो सकी। साल 2013 में ये संगठन फिर चर्चा में आया। करणी सेना ने आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर को निशाना बनाने की धमकी दी। करणी सेना के सदस्य नेगेटिव पब्लिसिटी के बावजूद पद्मावत के खिलाफ विरोध जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं। खास रिपोर्ट में इतना ही।